सब्सक्राइब कर दें। अंडा मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 बॉयल किया हुआ अंडा लिया है, 2 हरा मिर्ची, करी पत्ता, 2 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटा हुआ टोमेटो, 2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 स्पून मिर्ची पाउडर, 1.5 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून जीरा पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून गरम मसाला, नमक, हरा धनिया और तेल। बॉयल अंडे को देखिए ऐसे बीच से कट करके इसे फ्राई कर लेना है। तेल गरम हो गया है, अब इसमें एक एक करके अंडा डाल के इसे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए अंडा दोनों तरफ से फ्राई हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे। अंडा निकाल के फिर उसी तेल में 2 लंबा कटा हुआ हरा मिर्ची, करी पत्ता, प्याज डाल के इसे अच्छे से लाल कर लेना है। प्याज लाल हो चुका है, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। दो मिनट बाद इसमें ये कटा हुआ टोमेटो डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब चीज़ें डाल के इसे अच्छे से 2-3 मिनट तक पका लेंगे। मसाला मिक्स करने के बाद इसे ऐसे ही मैश करके पका लेंगे। मसाला पक चुका है, अब इसमें गरम मसाला डाल के इसे मिला लेंगे और इसमें एक छोटा बाउल पानी डाल के इसे बॉयल होने तक पका लेंगे। सारे फ्राइड अंडे को बीच से कट करके इसे मसाले पे रख देना है। धनिया डालेंगे और इन सब चीजों को मसाले में मिलाकर 2 मिनट तक पकने देंगे। देखिए अंडा मसाला रेडी हो चुका है, अब गैस बंद कर देंगे। देखिए अंडा मसाला अब रेडी है। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।